वी एस सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा लेसन वन पहले कंप्लीट हो चुका है, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन टू, जिसका नाम है आपको मेरे पॉइंट के साथ में अपनी फिंगर पॉइंट करते जाना है और मेरे साथ रीड करना है, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में ईजी हो सके और आपकी रीडिंग प्रॉब्लम ठीक हो सके। भाई हम लेसन टू स्टार्ट करते हैं, तो रीड करते हैं एल ई डबल एस ओ एन लेसन टू। I G E T get H E L P help F R O M from M by my B O D Y body I get help from my body meaning मेरी body से मुझे क्या help प्राप्त होती है। First हम start करते हैं E Y E S eyes, यानी कि eyes हमारी किस चीज़ में help करती है। हम इस chapter में ये पढ़ेंगे कि हमारी body parts हमें किन किन चीज़ों में और कैसे help करते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं ई वाई एस आइस, अब आइस मीन्स होता है आँखें। तो अब आप खुद सोचकर देखिए कि हम आँखों की हेल्प से क्या कर सकते हैं। अगर आँखें नहीं होती तो हम क्या क्या नहीं कर पाते, तो हम वह सारी चीज़ें में हमारी आइस हेल्प करती है। तो रीड करते हैं आगे, टी एच ई वाई दे एच ई एल पी हेल्प टी ओ टू एस डबल ई सी आर ई ए डी रीड ए एन डी एंड W A T C H watch T E L E tele V I S I O N television. तो दे हेल्प टू सी रीड एंड वॉच टेलीविज़न। आइज हमारी किन किन चीज़ों में हेल्प करती है, फर्स्ट सी यानी आँखों की मदद से हम देख पाते हैं, रीड देखकर हम चीज़ों को पढ़ पाते हैं। अगर आप अभी भी मोबाइल में देख रहे हैं, अपने नोट्स देख रहे हैं और नोट्स में फिंगर रखकर अगर पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है, आइज़ की हेल्प से। एंड वॉच टेलीविज़न, कार्टून देखना तो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो अगर आपकी आइज़ की हेल्प से हम क्या क्या कर पा रहे हैं, दे हेल्प टू सी रीड एंड वॉच टेलीविज़न। सेकेंड ए आर एस ईयर्स, ईयर्स मीन्स कान, कान से हम क्या करते हैं, कानों में हमें आवाज़ आती है। अभी अगर आपने हैंडफ्री लगा रखी है या हम मोबाइल में साउंड सुन पा रहे हैं या आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, तो वो किसकी हेल्प से हो पा रहा है, ईयर्स की हेल्प से। तो टी एच ई वाई दे एच ई एल पी हेल्प टी ओ टू एच ई ए आर हीयर एस ओ यू एन डी साउंड एंड एल आई एस टी एन लिसन टी ओ टू एम यू एस आई सी म्यूजिक दे हेल्प टू हीयर साउंड एंड लिसन टू म्यूज़िक। आप हियर यानी सुनना, साउंड यानी आवाज़ें, लिसन टू म्यूज़िक आप गाने सुनते हैं, टीवी पर म्यूज़िक देखते हैं, नाटक देखते हैं, सीरियल मूवी। और अभी भी अगर आप पढ़ रहे हैं और मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है, ईयर्स की। तो दे हेल्प टू हियर साउंड। थर्ड एन ओ एस ई नोज, नोज मीन्स नाक। तो हम नाक हमारी किन किन, अगर हमें कुछ भी होता है घर में, अगर कोई अच्छी खुशबू आ रही होती है तो हमें पता चल जाता है, मम्मी अगर कोई टेस्टी सा फूड बना रही होती है तो हमें जल्दी से खुशबू आ जाती है। और अगर हम सांस ले पा रहे हैं अगर, तो वो हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, नोज़ की हेल्प से। तो आई टी इट एच ई एल पी एस हेल्प्स टी ओ टू एस एम ई डबल एल स्मेल एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स एन डी एन एफ डबल ओ डी फूड इट हेल्प्स टू स्मेल फ्लावर्स एंड फूड। हम गार्डन जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, हमें उनकी खुशबू आती है, तो वो खुशबू घर में मम्मी कुछ बहुत टेस्टी सा बनाती है, तो हम जल्दी से जाकर पूछते हैं कि मम्मी आज क्या बनाया। तो इन सब की स्मेल हमें कहाँ से आती है, नोज़ की हेल्प से। नेक्स्ट आई टी इट एच ई एल पी एस हेल्प आई एन इन बी आर ई ए टी एच आई एन जी ब्रीदिंग। अब देखिए, आपको जैसे आप इंग्लिश में करते थे, आपको इंग्लिश में भी जो वर्ड्स आपको हार्ड वर्ड्स लग रहे हैं उनकी स्पेलिंग आपको राइट करनी है, बार बार लर्न कर देखनी है, ताकि आपको इजी हो सके। लास्ट में मैं आपको पॉइंट कर दूंगी, वो सारी स्पेलिंग्स आपको कॉपी में राइट करनी है, बार बार पढ़कर देखनी है, ताकि आपको वो ईजी हो सके। जैसे बी आर ई ए ब्री टी एच आई एन जी थिंग ब्री थिंग। तो ब्रीदिंग यानी क्या होता है, सांस लेना। तो नोज़ की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। तो इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट टी ओ एन जी यू ई टंग, टंग यानी जीप। अब जीप से हम क्या क्या करते हैं, तो इट हेल्प्स टू टी ए एस टी टेस्ट द फूड। हम खाना खाते हैं तो हमें टेस्ट आता है कि मीठा है, चरका है, नमक ज़्यादा है, नमक कम है। तो ये हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं, टंग की हेल्प से कर पाते हैं। डब्ल्यू एच ई टी एच ए वेदर इट इज सॉर एस ओ यू आर सॉर एस डब्ल्यू डबल इट इज स्वीट बी आई डब्ल्यू टी ई आर बिटर
ओ आर और एस ए एल टी वाई सॉल्टी। तो अब हमें फूड टेस्ट करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है, तो एस ओ यू आर सॉर यानी खट्टा, स्वीट यानी मीठा, बिटर यानी तीखा और एस ए एल टी वाई सॉल्टी। जैसे कि नींबू खट्टा होता है, स्वीट केक मीठा होता है और समोसा कचौड़ी ये सब कुछ बिटर थोड़ा तीखा होता है और नमकीन मिक्सचर वगैरह बिस्किट्स ये सब क्या होते हैं सॉल्टी। तो हमें इट टंग किस हेल्प में आती है, इट हेल्प्स टू टेस्ट द फूड। नेक्स्ट स्किन, एस के आई एन स्किन, इट हेल्प्स अस टू फील वेदर समथिंग एस ओ एम ई सम टी एच आई एन जी थिंग समथिंग इज एच ओ टी हॉट ओ आर और सी ओ एल डी कोल्ड। इट हेल्प अस टू फील वेदर समथिंग इज हॉट और कोल्ड। हमें स्किन पर जब भी कोई ठंडा या गर्म लगता है हमें जल्दी से पता लग जाता है। जैसे अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लेते हैं हम जल्दी से हाथ हटा लेते हैं, या अगर हम नहाते टाइम ठंडा ठंडा पानी अगर हम पर डलता है या बारिश में भीग जाते हैं तो ठंडा लगता है। तो स्किन से हमें क्या फील होता है, इट्स हॉट और कोल्ड। तो वी हैव एफ आई वी फाइव एस सी एन एस सी सेंस ओ आर जी एन एन ऑर्गन्स। वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स यानी कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, फाइव। ई वाई ई एस आईज, ई आर एस ईयर्स, एन ओ एस ई नोज, टी ओ एन जी यू टंग, एस के आई एन स्किन। आईज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन। आईज यानी जिनकी हेल्प से हम देख पाते हैं, दे हेल्प टू सी, ईयर्स जिनकी मदद से हम सुन पाते हैं, दे हेल्प टू हियर साउंड, नोज इट हेल्प्स टू स्मेल फ्लावर्स एंड अदर एंड ब्रीदिंग, नोज इट हेल्प्स टू स्मेल फ्लावर्स एंड फूड, टंग इट हेल्प्स टू टेस्ट द फूड एंड स्किन इट हेल्प्स अस टू फील समथिंग इज हॉट और कोल्ड। तो दिस फाइव आर आवर सेंस ऑर्गन्स, दिस फाइव सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू सी यानी देखना, हेयर यानी सुनना, स्मेल यानी कि खुशबू या अच्छी खुशबू या बुरी बदबू के बारे में पता करना, टच यानी कि स्पर्श एंड टेस्ट यानी कि हम जब कुछ खाते हैं तो टेस्ट एंड डिफरेंट थिंग्स। तो दिस आर द फाइव सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू मैनी अदर थिंग्स विच ये। नेक्स्ट एच ए एन डी हैंड, दे हेल्प अस टू पी यू एस एच पुश पुल एंड पी आई सी के पिक, यू पी अप, टी एच आई एन जी एस थिंग्स। हैंड दे हेल्प अस टू पुश पुल एंड पिकअप थिंग्स। पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना, पिकअप यानी उठाना। अब हाथों की मदद से हम क्या क्या कर पाते हैं, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हम उसे अंदर की तरफ धक्का देते हैं, या अगर कोई चीज़ अगर ऐसे रखी हुई होती है तो हम उसे ऐसे हाथों की मदद से ही उठा पाते हैं, या अगर कोई सामान रखा हुआ है तो हम उन्हें उठा पाते हैं। तो हेल्प दे हेल्प अस टू पुश पुल एंड पिक अप द थिंग्स, टी एच ई वाई दे ए एल एस ओ ऑल्सो, एच ई एल पी हेल्प, टी ओ टू, एच ओ एल डी होल्ड, टी एच ई द, टी एच आई एन जी एस थिंग्स, दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द थिंग्स। और चीज़ों को पकड़े रखने में भी, जैसे कि अभी आपने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा होगा या आपके नोट्स का पेज पकड़ रखा होगा, पेंसिल पकड़ रखी होगी, तो दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द थिंग्स। नेक्स्ट एल ई जी लेग, टी एच ई वाई दे, एच ई एल पी हेल्प, टू, एस टी एन डी स्टैंड, डब्ल्यू एल के वॉक, आर यू एन रन, के आई सी के किक, एस के आई पी स्किप, ए एन डी एन, डी ए एन सी डांस। लेग्स, अब पैर नहीं होते तो आप क्या नहीं कर पाते, सबसे मेन तो हमें चलना, तो एस टी एन डी स्टैंड यानी खड़े रहना, डब्ल्यू एल के वॉक यानी चलना, रन यानी भागना, किक यानी हम फुटबॉल खेलते हैं तो हम बॉल को किक करते हैं तो किक, स्किप यानी भाग कूदना, हम रस्सी कूदते हैं दिस कॉल स्किप, डांस और डांस करना। तो लेग्स आर हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक, रन, किक, स्किप एंड डांस। ए डबल एल ऑल, टी एच ई एस सी दिस, बी ओ डी वाई बॉडी, पी ए आर टी एस पार्ट्स, आर आई एम पी ओ आर टी एन टी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सो डब्ल्यू ई वी एस एच ओ यू एल डी शुड टी के ई टेक के सी ए आर ई केयर ऑफ टी एच ई एम देम।
तो अब आईज ईयर्स नोज टंग स्किन हैंड लेग्स एंड अवर सेंस ऑर्गन्स एंड अवर इंटरनल बॉडी पार्ट्स आर रियली हेल्प अस टू तो देन वी आर रियली इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स. यानी वो ये सारे हमारे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं की मदद से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, चल पाते हैं, खेल पाते हैं. हमारे सारे वर्क हमें ही हमारे बॉडी पार्ट्स पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए हमें अपने बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपने आई होप कि आपने अभी तक सारे बॉडी पार्ट्स के नाम याद कर लिए होंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर हार्डवेयर स्टिक कर दे रही हूँ, जिन्हें आपको रीड और लर्न करना है, और इनकी स्पेलिंग आपको कॉपी में बार बार राइट कर देखनी है और रीड कर देखनी है. ये आपको आगे एक्सरसाइज सॉल्व करते समय काम आएगी, इसीलिए आपको ये सारे वर्ड्स की स्पेलिंग आनी चाहिए. अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको एग्ज़ाम में टफ हो सकता है, इसलिए आप ये सारी चीज़ों की स्पेलिंग याद करेंगे और इन्हें बार बार लिख कर देखेंगे. इसी के साथ आपकी राइटिंग भी ठीक हो जाएगी. तो आपका पार लेसन 2 का चैप्टर ये कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे, जब तक आपको ये सारी स्पेलिंग्स लर्न करनी है. अगर आपने बॉडी पार्ट्स ने याद नहीं किए हैं तो आप ये सारी चीज़ों को टिक करें और इन्हें कॉपी में राइट करके लर्न करेंगे.